देखो बेटे, 12th क्लास मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। पहला क्वेश्चन ये था कि मेटल्स लाइक ज़ेडन, MgAl कैन लिब्रेट H2 फ्रॉम एसिड वाइल CuAg एंड Au डू नॉट लिब्रेट H2 फ्रॉम एसिड। ये कह रहा है कि ज़ेडन MgAl तो एसिड में से हाइड्रोजन को अलग कर देगी, जबकि CuAg और Au ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि हाइड्रोजन को एसिड से अलग नहीं कर सकते। होता क्या है बेटे, कौन सी मेटल हाइड्रोजन को एसिड से अलग करेगी? देखो कैसे, जैसे ये एक है ज़ेडन और एसिड लिया मैंने H2SO4, तो इस एसिड में से ज़ेडन हाइड्रोजन को लिब्रेट कर देगी, अलग कर देगी, और क्या बना लेगी? ज़ेडन SO4+H2। तो ज़ेडन ने एसिड में से, मेनली डाइल्यूट एसिड में से, हाइड्रोजन को क्या कर दिया? लिब्रेट कर दिया, अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसा केवल वे मेटल कर सकती हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से क्या हो, ऊपर हो। अब जैसे सपोज करो Ag है, Ag+H2SO4, तो Ag एसिड में से हाइड्रोजन को लिब्रेट नहीं कर सकती, क्योंकि Ag जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वे एसिड में से हाइड्रोजन को लिब्रेट नहीं कर सकती। और जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, वे एसिड में से हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? लिब्रेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। तो ये क्या होगी? नो रिएक्शन। क्या होगी जी? नो रिएक्शन। तो इसका यही रीजन है जी पहले क्वेश्चन का। मेटल्स लाइक ज़ेडन, ये तो ज़ेडन MgAl तो लिब्रेट कर सकती है एसिड में से हाइड्रोजन को, बाकी ये तीनों मेटल नहीं कर सकती। दूसरा क्वेश्चन, Hg ऑन हीटिंग डिकम्पोज वाइल MgO डज नॉट डिकम्पोज। देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे HgO है, अगर इसे मैं डिकम्पोज करूंगा तो Hg+O2, तो दो मॉलिक्यूल लेंगे, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। केवल वे मेटल के ऑक्साइड गर्म करने पर डिसोसिएट होंगे जो कॉपर से ऊपर है, सॉरी जो कॉपर से नीचे हैं, जो कॉपर से नीचे हैं, और जो कॉपर से ऊपर हैं उनके ऑक्साइड गर्म करने पे डिसोसिएट नहीं होंगे। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। ठीक है बेटे, जो कॉपर से ऊपर हैं उनके ऑक्साइड गर्म करने पे डिसोसिएट नहीं होंगे, जो कॉपर से ऊपर हैं उनके नीचे हैं उनके ऑक्साइड गर्म करने पे डिसोसिएट होंगे। तो Hg कॉपर से नीचे है इसलिए इसका ऑक्साइड डिसोसिएट हो गया Hg+O2 में। MgO कॉपर से ऊपर है, Mg कॉपर से ऊपर है इसलिए इसका ऑक्साइड डिसोसिएट नहीं हुआ। तो इसका यह आंसर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, देखो Cl2 कैन डिस्प्लेस I2 फ्रॉम Ki, बट Ki डज नॉट डिस्प्लेस Cl2 फ्रॉम KCl। ये कह रहा Cl2 डिस्प्लेस कर देगा जी I2 को Ki से, बट I2 डिस्प्लेस नहीं कर सकता जी Cl2 को KCl से। ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि Cl2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयोडीन से। ठीक है, तो Cl2 क्या काम कर सकता है? Cl2 की अगर Ki से रिएक्शन कराओगे ना तो 2 Ki लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2 KCl बनेगा और I2। तो क्लोरीन तो डिस्प्लेस कर सकता है Ki में से आयोडीन को, क्योंकि Cl2 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयोडीन से, जबकि I2 ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है बेटे, जबकि I2+KCl यो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि I2 वीक स्ट्रॉन्ग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cl से, इसलिए नहीं कर सकता। कोई दिक्कत? ठीक है बेटे, तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो Cl2 क्यों डिस्प्लेस कर देगा I2 को Ki में से? क्योंकि Cl2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना
वे रिएक्शन कर देंगे, ये मैंने आपको कराया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए सिल्वर वायर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन वन वेजल। एक वेजल के अंदर सिल्वर वायर है, सिल्वर वायर यानी कि ए जी किसके अंदर डूबी हुई है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में CuSO4। तो ये क्या कह रहा जी, अनोदर वेजल में जो है कॉपर वायर है वो किसमें है डूबी हुई, दूसरे वेजल के अंदर, दूसरे कंटेनर के अंदर जो है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के सॉल्यूशन में। अब ये करा कि कौन से वेजल में रिएक्शन होगी कौन से में नहीं होगी। देखो जी, एक कंटेनर में, एक वेजल में तो सिल्वर की रोड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, दूसरे में कॉपर की रोड है, AgNO3 का सॉल्यूशन है, तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है यो आपको बताना। देखो बेटे, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया था, क्या बताया था, कि मेटल का जो सॉल्यूशन होगा उसमें से मेटल को डिस्प्लेस वो मेटल कर सकती है जो इससे ऊपर हो, जो इससे ऊपर हो। देखो Ag+CSO4 तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से Cu को अलग कर देगी Ag। ऐसा कर सकती है नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि Ag नीचे है Cu से, तो इस पहले कंटेनर में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब जैसे ये है Cu ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Ag से, तो AgNO3 का जो सॉल्यूशन होगा ना उसमें से Ag को अलग कर देगी जी Cu, AgNO3 में से Ag को अलग कर देगी जी Cu। क्यों, क्योंकि Cu इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Ag से ऊपर है, तो कोई भी मेटल का सॉल्यूशन है उसमें से उस मेटल को केवल वो वाली मेटल अलग कर सकती है जी जोन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उस सॉल्यूशन की मेटल से ऊपर है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी जिसमें बनेगा CuNO3 का Ag+Ag, तो इसे बैलेंस कर लेंगे, 2Ag 2Ag कर लेंगे। ठीक है बेटे, ये बता, तो ये पहले कंटेनर में कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि Ag नीचे है Cu से, जबकि Ag यहाँ जो Cu है क्या है वो ऊपर है AgNO3 में से, तो Cu इसे अलग कर देगा जी AgNO3 में से Ag, क्योंकि Cu ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Cu ऊपर है जी Ag से, तो इसे AgNO3 के सॉल्यूशन में से Ag को क्या कर देगा, अलग कर देगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 36, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में लिखना। तो जो भी मेटल ऊपर होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, और जो सबसे नीचे होगी उसकी कम होगी। तो मैंने ये तो तुम्हें बता रखा जी, देख लो अभी से। तो सबसे ऊपर इनमें कौन है, पहले नंबर पर कौन आओगे, Na, फिर Mg, फिर Zn, फिर Fe। पहले नंबर पर कौन क्या होगा, देखो Na, फिर Mg, फिर Zn, फिर Fe, फिर Cu, और सबसे लास्ट में क्या होगा, Ag। Na, Mg, Zn, Fe, Na, Mg, Zn, Fe, Cu, Ag। तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल ऊपर होगी इन सारों में उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Na, Mg, Zn, Fe, Cu, Ag ऑर्डर। ये क्वेश्चन हुआ जी। फिर क्वेश्चन नंबर ये है, व्हाट इज द रीजन दैट सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर वेयर मैग्नीशियम रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर। बेटे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम से ऊपर वाली मेटल है वे ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेती है क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जबकि मैग्नीशियम नहीं कर पाती, वो केवल गर्म पानी से ही रिएक्शन करती है। तो इसमें क्या रीजन है, रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम जो है ऊपर है Mg से, इसलिए वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं, जबकि Mg की रिएक्टिविटी कम है Na से, इसलिए वो गर्म पानी से ही रिएक्शन करती है। ठीक है बेटे, तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, तो यो नहीं पढ़ना हमें। यो जिंक मेटल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वाई, यो कह रहा जिंक की मेटल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालने पर क्या होगा। देखो Zn ऊपर है Cu से, तो रिएक्शन पॉसिबल होगी, तो क्या बनेगा ZnSO4+Cu। देखो कोई भी इस मेटल का सोल्यूशन है, यो किस मेटल का सोल्यूशन है, यो Cu का है, तो Cu का यो सोल्यूशन है, तो
तो यो जेडन वाली जो मेटल है ना जो अलग कर रही, वो ऊपर होनी चाहिए इस वाली मेटल से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इसकी रिएक्टिविटी भी फिर ज्यादा होगी। तो जेडन ऊपर है सीयू से, इसलिए ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से सीयू को क्या कर देगी, अलग कर देगी। ठीक है बेटे, तो इस कंटेनर के अंदर इसमें ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। फिर ये था कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है कौन सी नहीं। देखो सीयू प्लस H2SO4, सीयू H2 से नीचे है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। HG भी नीचे है H से, यो भी पॉसिबल नहीं है। Fe ऊपर है H से तो रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये रिएक्शन आपकी एक पॉसिबल है, पहली दूसरी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। फिर एक क्वेश्चन आपका लास्ट ये है, जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड वाइल सिल्वर फ्रॉम इट सॉल्यूशन, मतलब जिंक डिस्प्लेस कर देगी हाइड्रोजन को। बिल्कुल सही है, तो मैंने अभी रिएक्शन कराई आपको, पर एजी नहीं करने की, एजी में यो रिएक्शन नहीं हो सकती बेटे, नो रिएक्शन होगी यो, क्योंकि एजी नीचे है सीयू से, यहां जेडन ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सीयू से, इसलिए रिएक्शन होगी। एजी नीचे है सीयू से तो रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी पड़ेगी अच्छे से, तब जाके ये समझ में आओगे। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए जी, बस आप इन्हें नोट कर लें, कल मैं आपको फिर नया टॉपिक कराऊंगा जी। बस बेटे।